लीजिए प्लीज जाके मेडिसिन खा लो। हवा नहीं खानी मुझे मेडिसिन। एक बात कहूं, तुम्हारी ना इस जिद की वजह से ना सिर्फ मैं बल्कि अफनान भी ना बहुत तंग होता जा रहा है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला अल्लाह ने शौहर दिया है। हाँ, इतना प्यार करने वाला शोहर है मेरा कि 2 घंटे पहले आपने उसे कॉल की थी। जहमत नहीं हुई उसे कि वो आके पूछ ले मुझे। अच्छा मेरी जान नहीं है, जाओ जाकर मेडिसिन खा लो। अलीजे अब तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा है कि तुम्हें अपनी हेल्थ की केयर करने की बहुत जरूरत है। मामा एक तो आप और अफनान दोनों हर वक्त मुझे बस इमोशनली ब्लैकमेल ही करते रहते हैं। मैंने क्या किया? हेलो, क्या क्या हुआ लीजे? मामा वो क्या बात है, बोलो ना। मामा वो अफनान। क्या हुआ अफनान को? तक एक फोन भी नहीं किया अफनान। अच्छा कर रहे हैं आप मेरे साथ। से शादी करके तुम्हें यहां रख लिया। तुम्हारे तमाम हकूक इन सबसे तुम्हें महरूम कर दिया। तुमसे भी नजरें मिलाते हुए शर्मिंदगी होती है। अलीजे के साथ कैसे रह सकते? उसकी नजर में ना मेरी कोई इज्जत है ना मकान। सच बोलूं तो शायद अपनी मोहब्बत में नहीं अपनी इज्जत में मेरे साथ रहना चाहती। कौन? अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई, इस वक्त यहाँ पे खैरियत तो है? रमशा बीबी, वो अफनान, अफनान साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? मुझे अभी अभी घर से फोन आया, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है।
हाँ अफनान की तरह, लेकिन क्या हुआ, वो ठीक है ना? ये तो मुझे नहीं पता। मगर ये सुना है कि अस्पताल लेकर गए। ठीक है, मैं चादर लेकर आ रही हूँ, आप मुझे अभी की अभी हॉस्पिटल लेकर। मगर रमशा बीबी, अगर मगर का टाइम नहीं है जमशेद भाई, वो हॉस्पिटल में, मैं चादर लेकर आ रही हूँ, आप रुक जाए, मैं आ रही हूँ। लीजिए बेटा, हौसला करो, ठीक हो जाएगा अफनान इंशाल्लाह। कैसे हो गया मामा? अलीजे, मैं तुम्हें समझाती थी ना कि अफनान के साथ लड़ाई झगड़े मत करो, इन लड़ाई झगड़ों का असर बहुत बुरा होता है मेरी जान। फिकर मत करो, उसे होश आ जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ अफनान को, कहाँ है वो ठीक है ना? अफनान की तबीयत का मुझे बताएंगे प्लीज। रमशा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बताया हम यहाँ हैं? वो मुझे पता चला था कि वो एक्सीडेंट हो गया अफनान का। अगर पता भी चला था तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। वो मुझे एक दफा अफनान से सिर्फ मिलना है, मैं उसे देखूंगी। और मैं, प्लीज, हम ऑलरेडी यहाँ पे बहुत टेंस हैं, तो मजीद मेस क्रिएट मत करो, जाओ यहाँ से प्लीज। इसे मुझे रमशा, ये हॉस्पिटल है, मेहरबानी करके यहाँ पे तमाशा मत करो, अब जाओ यहाँ से। रमशा बीबी, आप हौसला रखें, परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो अफनान साहब को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। जमशेद भाई, डॉक्टर कह रहे थे कि अफनान ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है, इतनी तकलीफ, और मैं इतनी मजबूर हूँ ना, अफनान का ख्याल रख सकती हूँ ना, उसे देख सकती हूँ ना, उसके पास जा सकती हूँ।